अस्सलाम वालेकुम। ओरिएंटेशन इन बेंजीन रिंग में आज जो चीज़ हम डिस्कस करनी है एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दैट लेक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। अगर सिंपल जबान में कहूँ ना, अगर तो जी बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऐसा एटम लगा होगा जिसके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जो कि बेंजीन रिंग को दे सके, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्लाइड होगी फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पहले नंबर पर उसके पास इंडक्टिव इफेक्ट, वो जो एलिमेंट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सेकेंड रीज़न, वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर सकता है। वो क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब मैं इस तरह के एक ग्रुप की एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर गौर कीजिएगा, इनके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का याद रखिएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप ऐसे होते हैं जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देते हैं। जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे सके वो एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जी। यहाँ पे जिस चीज़ की एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो है CH3। ये मेरे पास CH3 का मॉलिक्यूल है। अब इसमें यह स्लाइड होती है इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए से बेंजीन में नेगेटिव चार्ज की कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है। और इसके अलावा एक और चीज़, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी, मसलन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है इसको थोड़ा समझिएगा कि ये क्या फिनोमिना है। ये मेरे पास ऊपर CH3 लगा हुआ है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें ये काम हो रहा होता है कि आपके मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन को लेफ्ट कर देता है। क्या होता है जी, एक हाइड्रोजन एटम को लेफ्ट कर देगा, मतलब उसके साथ बॉन्ड को ख़त्म कर लेगा। ये हमारे पास H पॉजिटिव की फॉर्म है और जैसे ये वाला बॉन्ड ख़त्म होगा तो आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। आगे आपने क्या करवाना है, जिसकी रेजोनेंस करवानी, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। सही, इस तरह हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हुई है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम एज इट साथ आती जाएंगी। सही, सेम एज इट साथ आती जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बॉन्ड एक है, एक बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, वैसे का वैसे साथ आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो भी कुछ इसी तरह की होगी। ले जी, ये हमारे पास इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है जी, आपका ये वाला बॉन्ड फिर ये वाला बॉन्ड तो पहले शिफ्ट करवाया, ये वाला बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सही है, और जिसके नतीजे हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बनेगी। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इसके साथ ही यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी बाकी सेम एज इट सी के साथ, ऊपर एच लगा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और साथ में एच पॉजिटिव वैसे का वैसा, और लास्ट में हमारे पास वही काम है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, दोबारा फिर हाइड्रोजन साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एटम साथ जुड़ जाता है और ये वाली चीज़ बन जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सही, क्योंकि ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा इन दोनों के दरमियान में, और यहाँ पे हाइड्रोजन फिर CH3। ये वाली चीज़ होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, एच पॉजिटिव आयन निकलता है जिसके नतीजे में हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होना शुरू हो जाती है और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। इस पूरी चीज़ को हम ना सिंपली, बिल्कुल सिंपली रिप्रेजेंट करना ना, वो कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ऊपर ये वाली चीज़ वैसे लगी रहने दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और साथ में एच पॉजिटिव आयन। जब ये वाला काम होता है तो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तक नेगेटिव चार्ज लेके आ रही होती है, यहाँ पर नेगेटिव, जहाँ से नेगेटिव चार्ज स्टार्ट हो वहाँ से आपने एक सर्कल ड्रा करना शुरू करना, इस तरह तक ले जाना। तो ये हमारे पास एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन के हवाले से। अगर हमारे पास ये वाला केस भी होता है ना, तो आप इसके तीन स्ट्रक्चर बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसके ज़रिए से कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए से ये वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल हो गया। चलिए जी, हम कहते हैं जी हमारे पास ऊपर एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसमें क्या लगा हुआ है, ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और भी चीज़ लगा दें, मतलब कौन सा ग्रुप लगाना है, हमने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, वो तीनों पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है, अब मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने लगा हूँ। अब याद रखिए इलेक्ट्रोफाइल के पास तीन पॉसिबिलिटी, या तो ये जाके ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है, या फिर ये मेटा पे लगेगा, या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा। याद रखिए ऑर्थो पैरा मेटा पैरा पोजीशन कौन सी होती है, अगर बेंजीन रिंग कोई भी होती है जिसमें यहाँ पे आपके कहीं पे भी, मगर सपोज कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है
तो इसके लिहाज से हमारे पास ये वाली ऑर्थो पोजीशन होती है पहली पहली, ये दूसरी दूसरी मेटा पोजीशन होगी, और ये वाली पैरा पोजीशन होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑर्थो पोजीशन की। ऑर्थो पोजीशन पे क्या काम होगा? ऑर्थो पोजीशन ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या काम होने वाला है? आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, ये जाकर जुड़ेगा इस ऑर्थो पोजीशन पे। ज़रा गौर करना, ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे CH3। यहाँ पे जाकर आपका ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, जिसकी वजह से आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बनाते हैं ना तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे। इसलिए आपके यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव। इसके बाद होने होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास कुछ ये वाले स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ज़रा गौर करते जाइएगा, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, जिसके नतीजे में ये वाली चीज़ यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा, सही है। और यहाँ पर जो दो चीज़ें लगी हुई हैं वो वैसे की वैसे ही आएंगी, इलेक्ट्रोफाइल और साथ में हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। इसके बाद फिर रेजोनेंस होनी है, जिसके नतीजे में अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होना है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। जैसे शिफ्ट होगा हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाएगी। और रेजोनेंस के दरमियान में दो ये वाला एरो हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन कॉमनली, ये जो दरमियान में लगाया हुआ है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, जिसके अंदर ये वाली चीज़, और अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को जो लास्ट वाली बनाई हुई है, इसको हम कहते हैं जी ये रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटर है। क्या है? रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटर, स्टेबल कंट्रीब्यूटर है, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये क्यों स्टेबल है, इसकी रीज़न भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गौर करोगे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिल्कुल इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये पॉजिटिव चार्ज आपका कम हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है, इसलिए ये वाली चीज़ बड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ता है पैरा पोजिशन पर, पैरा पोजिशन कौन सी है? ये वाली पोजिशन पैरा पोजिशन है, सही है। पैरा पोजिशन, पैरा पोजिशन पर चलो गौर करना क्या होता है। हमने क्या किया जी, पैरा पोजिशन पर जोड़ने लगे हैं, ये CH3 वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे जाकर हमने जोड़ दिया इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन, हमने बाहर एटम निकाल के लिख दिया, जिसके अंदर जब ये वाला बॉन्ड तो वैसे का वैसे रहेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सही है। जिसके अंदर जब आपने क्या करवाना है कि यहाँ बॉन्ड की रेजोनेंस स्टार्ट करवा देनी है। और याद रखिए, कौन सा बॉन्ड आपको खत्म करना होता है हमेशा, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होगा ना, मैंने यहाँ पर जोड़ना, अब इसके पास जो भी बॉन्ड होगा वो खत्म हो जाना होता है, इसके साथ ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसे ये वाला बॉन्ड खत्म होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपने क्रिएट करवा देना, जिसके अंदर जब यहाँ पर होना शुरू हो जाती है रेजोनेंस। यहाँ पे ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये रेजोनेंस के नतीजे में, और हमारे पास ये सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? रीज़न आपको पता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर देता है। क्या करता है जी? इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर देगा, ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास रिलेटिवली स्टेबल इरेनियम आयन है, रिलेटिवली स्टेबल आयन या इरेनियम आयन कह दें, ये रिलेटिवली स्टेबल है, सेम इसी तरह, सही है। इसीलिए हमारे पास ये ऑर्थो पैरा ही दे रहे होते हैं, सही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें ना, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, कुछ इस तरह का काम हो जाता है। नेक्स्ट में आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होना है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बाकी आपको पता जी यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होगा, और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तीन हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही होती हैं, कब? पैरा पोजिशन में। अब आप लास्ट वाली बात कर लेते हैं जी, हमारे पास कौन सी है, वो है मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन। अच्छा, इन दोनों में ना याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि इनमें से एक एक स्ट्रक्चर ऐसी बने जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाली जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज इनमें पॉजिटिव चार्ज उस ग्रुप के बिल्कुल करीब है जहाँ जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका कम हो जाता है,
और यही चीज़ तो हमने कम करनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे मेटा में क्या होता है। अब इस चीज़ को उठाना यहाँ पर लगाना है, अब काम वही है, इस चीज़ को उठाओ आप यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर लिख दिया और ई वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करो, इसके नतीजे में हमारे पास ये वाली चीज़ बननी होती है। नतीजे में हमारे पास ये वाली चीज़ बन जानी है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ जिसके नतीजे में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसा यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन आइटम। सेम इसी तरह आप नेक्स्ट क्या करना जी, वही रेजोनेंस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये वाली चीज़ बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये वाली चीज़ वैसे की वैसे इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ज़रा गौर करें, अब इन सिचुएशंस में पॉजिटिव चार्ज कभी भी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसके करीब नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर्स लीस्ट स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज कभी भी इसके बिल्कुल करीब नहीं आ रहा, जब करीब नहीं आएगा ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे पास ये जो ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर, हमने ऐसे ग्रुप्स की बात की है जिनके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, सही है, जिनके पास लोन पेयर, मैं सिंपल बात कहूँ लोन पेयर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने आप को स्टेबल करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरीके से बेंजीनिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इन ग्रुप्स को हम ऑर्थो पैरा, देखें मैंने ऊपर बात करी की भी हुई है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये हमारे पास आज के लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।